हेलो सर, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी। जी सर। आपकी वीडियो देखी? जी सर, बहुत अच्छा लगा देख के। सर, जी बहुत स्वागत आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला अपनी अपनी वीडियो में कि ये वाल्मीकि लोग अपनी नौकरी के लिए ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हिंदू समाज के लोग हैं, चमार बिरादरी के लोग हैं, तो जैसे स्कूल हुए, हॉस्पिटल वगैरह हुए, इन सब के ठेके छुटे हुए हैं, और इन ठेकेदारों के पास अगर हिंदू समाज की लेडीजें कम पढ़ी लिखी हैं, जैसे कि हाई स्कूल है, किसी ने 8वीं की है, तो ये लोग जैसे इनके पास नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, तो इनको बस एक ही नौकरी के लिए भेजा जाता है। कहीं पे भी चले जाओ, इन किसी के भी पास चले जाओ, किसी भी ठेकेदार के पास चले जाओ, बस सीपर के ही काम में क्यों भेजते हैं सर? क्या हम लोगों के लिए कोई न्याय नहीं होगा इस समाज में? जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। और ये बात तो बिल्कुल हमें पता ही नहीं थी, नॉलेज में आपने लेकर आई ये बात जो है। और ये ही जो दंश है समाज के ऊपर, एक आरोप लगता तो है, लेकिन उसकी दिशा में जो है सरकारें कुछ काम नहीं करती हैं। तो इसीलिए आदरणीय, क्या नाम आपका, जी, मेरा नाम अमृता है और मैं कुकड़ा से बोल रही हूँ। कहाँ से? कुकड़ा गांव, कुकड़ा जिला, मुजफ्फरनगर। अच्छा, तो नम्रता जी नाम है आपका, अमृता है? नम्रता, अमृता अमृता। जी। हाँ, तो अमृता जी, बात आपकी ठीक है। अब क्या एक यही काम रह गया है जिसकी तरफ जो है, जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं उनको इस तरफ जाना चाहिए? सर, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैंने हाई स्कूल किया, तो मैं इस काम को नहीं करना चाहती और मैं एक स्कूल में नौकरी करना पसंद करती हूँ, तो क्या मैं इसी काम के लायक हूँ सर? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर लेकिन ये ठेकेदार बन के बैठ गए, ये मेरी नॉलेज देख के मुझे दूसरे काम में भी तो भेज सकते हैं। जैसे प्यून का काम हो गया, मैं उसमें भी काम कर सकती हूँ। जब मैं एक मशीन पर 8-8 घंटे की ड्यूटी खड़े होकर दे सकती हूँ, क्या मैं प्यून का काम नहीं कर सकती? बहुत तो मैं बढ़िया। ये चाहती हूँ कि इस नौकरी के लिए हम लोगों के लिए भी कोई बात की जाए। तो आप मुझे ये बताइए कि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है जी उतनी ही क्वालिफिकेशन की और भी महिलाएं या पुरुष जो आपके यहाँ पर काम करते होंगे, तो उनको क्या काम दिया है जो दूसरी जाति के हैं? जितनी भी लेडीजें मेरे मोहल्ले से काम करती हैं, जिस ठेकेदार के हम जरिए काम करते हैं, वो सिर्फ मेरे मोहल्ले की लेडीजों को तो यही काम में भेजते हैं। अच्छा, और दूसरे मोहल्ले के जो हैं, जो ब्राह्मण हैं या और दूसरी जो कास्ट हैं, उनको कौन सा उनको काम देते प्यून हैं? में भेजते हैं सर, वो अच्छा, उनको प्यून में भेजते उनको हैं। प्यून में भेजते अच्छा। हैं। क्या समाज जाति बस इसी इसी काम के लिए है? अगर कोई हम लोगों को कहे ये गटर साफ कर दे, क्या हम वो गटर साफ कर सकते हैं? तो आपको जो है, देखिए थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है जी आपको जो है उस नौकरी में। जो सुविधा होती है, यानी कि नौकरी मिलेगी तो आपके घर का जो है काम का चलेगा, है ना। जी लेकिन अगर एक बार दृढ़ निश्चय करके और उसको बिल्कुल लात मार दी जाए कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन ये वाला काम नहीं करूंगी मैं, है ना। सर, मेरे तो 3 बच्चे हैं, मेरी बेटियां पढ़ना चाहती है, मेरे पति की ऐसी कंडीशन है कि मेरे हालात घर के डाउन है और मैं मजबूरी में ये नौकरी कर रही हूँ, इस टाइम मैं खोल रही हूँ चलो ठीक क्योंकि है, आप जो है मजबूरी में कर रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये मजबूरी जो है आपकी जनरेशन के बाद आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आपके बच्चों को जो है, आपने आपकी कम एजुकेशन के कारण आपको ये नौकरी करनी पड़ रही है ना, जी। तो आप अपने बच्चों के लिए ये शिक्षा का व्यवस्था कीजिए कि जी वो, मेरी लड़की पढ़ रही है, दोनों हाँ बेटियां मेरी बहुत अच्छे स्कूल में जाती भी हैं, और मेरी जी, लड़कियों के एक अलग ही ख्वाहिश है, ख्वाब है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की अगर मेरे से कह रही है मम्मी मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कि मैं अपने अरमान मार के इस नौकरी को जबरदस्ती कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए भी तो सर कोई बात आपको कीजिए। क्या क्या तनख्वाह मिल रही है वहां पर? अच्छा सर, मुझे 8,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा 8,000 रुपये मिल रहे हैं। जी अच्छा, आदरणीय अमृता जी, जी अभी तो फिलहाल देखिए मेरे पास जो है आपके लिए कोई इंस्टेंट रिलीफ तो नहीं है, यानी कि तुरंत कोई मेरे पास समाधान नहीं है।
लेकिन योजना है, अगर उस योजना का आप हिस्सा बनती हैं तो आगे चलकर हम जो है इस पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये जो 8,000 रुपये की जो तनख्वाह है, अगर आप संघ को ज्वाइन करती हैं और संघ की आचार्य बनती हैं और संघ आपके इलाके में कोई स्कूल खोलने में कामयाब होता है, तो वहाँ पर आपको जो है 8,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपये तनख्वाह में आपको आचार्य पद मिल सकता है, आचार्य की जॉब मिल सकती है। और ये आचार्य का काम बहुत आसान है, इसको सिखाने का काम भी हम करते हैं, इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप जो है ये काम करें तो आपके जो सहारनपुर से एरिया से हमारे आचार्य परवेश जी हैं और भी लोग हैं, तो अगर आप संघ को ज्वाइन करें, संघ की जो है 3 बार मीटिंग होती है दिन में, सुबह होती है, दोपहर को होती है और शाम को होती है, तो जिसमें भी आपको सुविधा लगे उसमें आप मीटिंग ज्वाइन करें और खुद जो है आचार्य बने, पहले जो है अपने गौरव का अनुभव करें। और जब आप आचार्य बन जाएंगी और जब आचार्य बनकर जब पाली में आप बोलेंगी तो आपके चारों ओर जो है आपको लोग सम्मान की दृष्टि से भी देखेंगे। जी हाँ, तो क्या आप संघ को ज्वाइन करेंगी? ठीक सर है, तो मैं आपको, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? ठीक जी है, तो मैं आपको अभी जो मैसेज बॉक्स में आपको जो है एक लिंक भेज रहा हूँ, और अभी मीटिंग चल रही है, अगर अभी आप ज्वाइन कर सकें तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपका परिचय हो जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा स्कूल में, लेकिन अपेक्षा मत करना, जी क्योंकि जब हम अपेक्षा करते हैं किसी से और अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर बहुत दुख होता है। जी हमें त्याग करना है समाज के लिए, ठीक है, और जी त्याग करते हुए बिना अपेक्षा के जब हमें कुछ मिलता है, हमारी किसी अपेक्षा नहीं है लेकिन अपेक्षा नहीं होने के बाद भी कुछ हमारे लिए कोई कर देता है तो हमें बहुत खुशी होती है, होती है ना? जी तो हमें कोई अपेक्षा संघ से नहीं करनी है लेकिन संघ के लिए समर्पित होना है, और संघ के पास जब ताकत इकट्ठा होगी तो निश्चित रूप से जो है उसका लाभ जो है आप जैसे लोगों को मिलेगा। ठीक है, जी सर ठीक है, तो मैं आपको जो लिंक भेज रहा हूँ, आप प्रयास कीजिए अभी ज्वाइन करने का, अगर अभी मीटिंग चल रही होगी तो आप उसमें अभी परिचय हो जाएगा आपका और आपका एडमिशन भी हो जाएगा अभी। जी, जी ठीक है, ओके, जय हिंद महोदय।